मैं बनाऊंगी बेबी सूट। इसे बनाने के लिए देखिए मैंने 11 नंबर का क्रोशिया लिया है और ये उंगली है, आप जो चाहे वो ले सकते हैं। कुछ मोती चाहिए, मोती भी आप जो चाहे वो लगा सकते हैं। मैं मल्टीकलर लगा रही हूँ, देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस 11 12 13 14। चौदह बनाने के बाद एक दो दो और बनाऊंगी, उसके बाद यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः सात, देखिए सात बनाने के बाद देखिए डबल क्रोशिया बनाऊंगी मैं यहाँ पे, एक दो तीन चार पाँच छः सात। देखिए इस वाली चैन से, इसमें से मैं एक चैन से चार बार बनाऊंगी, एक दो तीन चार, यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः सात। सात बनाने के बाद हमने यहाँ पे इस तरह सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, दो तीन चार पाँच छ सात। देखिए सात बनाने के बाद मैं इसको यहाँ पे इस तरह से अटैच कर लूँगी, और देखिए दो चैन बनाएंगे। दो चैन बनाने के बाद एक दो, एक चैन से दो दो बार, तीन, देखिए यहाँ पे तीन में बना लिया मैं। मैं यहाँ से एक चैन से एक ही बार बनाते हुए जाऊंगी यहाँ पर, देखिए अब मैं यहाँ पे
एक चैन से दो बार बनाऊंगी। यहाँ से इतना इसमें मैंने दो दो चैन बनाई है, एक चैन से दो दो बार बनाए हैं। उसके बाद मैं सिंगल बनाऊंगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने तीन चैन से दो दो बार बनाए हैं, मैं इधर भी तीन चैन से दो दो बार बनाऊंगी। देखिए इस तरह से। देखिए इसको यहाँ पे इस तरह से अटैच कर लूंगी। एक दो दो चैन बनाऊंगी। एक चैन से दो दो बार बना रही हूँ। देखिए चार में बना लिए मैंने, बाकी मैं सिंगल बनाऊंगी। सिंगल चैन, एक चैन में एक बार। देखिए हर चैन में मैंने यहाँ पे दो दो बार बनाए हैं इस तरह से। हमने यहाँ से बनाए थे मैंने, यहीं से मैं अब बना रही हूँ एक चैन से दो बार। देखिए मैं यहाँ तक डबल बनाऊंगी एक चैन से दो बार, जहाँ से मैंने पहले स्टार्ट किए थे यहाँ तक। अब मैं एक बार बना रही हूँ।
देखिए अब मैं यहाँ पे एक चैन से दो बार बनाऊंगी, इस साइड मैंने चार में बनाए थे, इधर भी मैं चार में बनाऊंगी, चार चैन से। इसको मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी इस तरह से, देखिए। देखिए हमारा कंप्लीट हो गया है। और ये देखिए यहाँ पे मेरा बीच वाला फंदा है, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैं बनाऊंगी एक दो तीन चैन बनाने के बाद, एक दो तीन, 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 इसमें भी तीन छोड़ने हैं, तीन। एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, देखिए यहाँ से अब मैं मोती लगाऊंगी, ये मेरे डबल जहाँ से हैं, यहाँ से एक दो तीन, देखिए इस तरह से, देखिए एक दो तीन, तीन यहाँ पे इस तरह से, ऐसे एक दो तीन, देखिए एक दो तीन, बीच वाले पे देखिए हमारा आ गया ये इस तरह से, इसको मैं निकाल दूंगी, एक दो तीन, देखिए एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, देखिए देखिए चार मोती डालने में ना एक रो में, एक दो तीन, देखिए एक दो तीन, तीन, एक दो तीन, तीन, दो तीन, देखिए ये हमारा यहाँ पे, देखिए इस तरह से इसको मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, देखिए अब मैं एक, ये हमारा है यहाँ से एक दो तीन, इसके ये मैंने यहाँ पर मोती डाला था, अब मैं यहाँ से ऐसे देखिए एक मैंने ये अभी इसको ऐसे छोड़ा हुआ है, यहाँ से मोती फंसाऊंगी और इसमें ऐसे बढ़ा लूंगी, एक इधर मोती बढ़ जाएगा ये, एक दो तीन,
एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, देखिए मैंने इस तरह से डाले हैं, एक इसमें डालूंगी यहाँ पे आके, देखिए अभी पिछले में मैंने चार डाले थे, एक दो तीन चार, अब देखिए इसमें पांच हो गए, एक दो तीन चार पांच, इस साइड से बढ़ता जाएगा एक एक मोती। एक दो तीन, दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, देखिए एक इधर अभी मैंने इसमें डाला था, अब मैं इस पे भी डालूंगी, देखिए इस पे बनाऊंगी तीन मोती लेके इसमें बनाऊंगी इस तरह से, दो तीन, एक दो तीन, दो तीन, दो तीन, देखिए अभी यहाँ पे था ये, अब इस पे भी डाल दूंगी मैं, देखिए एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, दो तीन, देखिए अभी हमारी ये तीन रो कंप्लीट हो गई हैं। देखिए अभी मैं एक मोती और डाल दूंगी, उसके बाद दिखाऊंगी सेम इसी तरीके से डलेगा। ये हमारी चार रो कंप्लीट हो गई, देखिए इसमें मैंने चार रो में मोती डाल दिए हैं। अब देखिए मैं इसमें चैन में दो बार बनाऊंगी सिंगल क्रोशिया, एक चैन में दो बार, देखिए यहाँ से जहाँ से मोती डला है इसमें समय में इस तरह से दो दो बार बना लूंगी।
हर चैन में 2 बार बना रही हूँ। यहाँ पे इसको इस तरह से अटैच कर देंगे जहाँ पे। अब इस तरह से सिंगल सिंगल बनाऊंगी। इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। देखिए हमारे 2 राउंड कंप्लीट हो गए इसमें। देखिए अभी 2 और कंप्लीट करूँगी मैं इसमें। इसी तरह से सेम बनाऊँगी। देखिए हमारी 3 रो कंप्लीट हो गई है ये। अब मैं चौथी रो में डिजाइन डालूँगी। देखिए तरह से कट कर दूंगी धागा।